Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106, or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं अर्थनीति और कारोबार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर. आज रविवार है और आज के दिन खास तौर से म्यूचुअल फंड पर हम चर्चा करते हैं और आपको भी आमंत्रित किया करते हैं हमसे सवाल पूछने के लिए. आप हमसे पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल. डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड क्षेत्र के देश के जाने माने विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार. धीरेन्द्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत. वार्म वेलकम धीरेन्द्र. धन्यवाद. थैंक यू राजेश. आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिन्हें लेकर मौजूद हैं राजेश लेख. यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर असर्ट्स द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स वन नेशन वन मार्केट. Says farmers now have freedom to sell at highest available price. The world now looks towards India as a trusted, reliable partner in the global supply chain, says Commerce Minister Piyush Goyal. And snapping 3 months buying spree, foreign investors pull out 3,400 crore rupees from Indian capital markets in September. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, एक राष्ट्र एक बाजार की दिशा में बढ़ रहा है भारतवर्ष. ये भी कहा कि किसानों को अब अधिकतम उपलब्ध मूल्य पर बेचने की है आजादी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भरोसेमंद साझेदार मानती है और पिछले 3 महीनों से लगातार खरीदारी के बाद सितंबर महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधारों के लिए हाल ही में पारित तीनों विधेयकों से किसानों को लाभ होगा. गोवा की राजधानी पणजी में आज उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की दिशा में बढ़ रहा है. इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी. श्री जावड़ेकर ने गोवा सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए बिक्री मूल्य का निर्धारण उत्पादक करते हैं, लेकिन कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण एजेंटों के द्वारा किया जाता था. नए अधिनियम के प्रभावी होने के बाद अब बिक्री मूल्य के निर्धारण में किसानों को प्राथमिकता मिलेगी. इससे किसान अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएंगे और उन्हें इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि अब किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद को भारतवर्ष में कहीं भी बेचने की आजादी होगी. इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने किसानों को इस बार पहले से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है. श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्याज, आलू और तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है. अब किसान अपने उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं और पसंदीदा खरीदार को बेच सकते हैं. श्री जावड़ेकर ने किसानों से अपील की कि वे नए कृषि कानूनों पर हो रही राजनीति के झांसे में नहीं आएं. We have a first caller online with us from Delhi. Arun, we welcome you. Please go ahead and ask your question. Hello. Good evening. I just wanted to find out, what is there any advantage of having the IPOs or IFOs in and then buying already existing old mutual funds, which are a little more expensive also? Thanks.
matter of, you know, I can tell you that I'll just list you some of the constraints of investing in IPOs. IPOs are exciting. Mutual fund NFOs are avoidable simply because in a mutual fund, all you have anything to go by is the history, and a new fund has no history. So let it build one, and there is absolutely no case for investing in a new fund offer. Let it come up, let other people invest, and you know, you see how the fund is being managed. In case of an IPO, yes, this is a company which is issuing its share for the first time, and there is a problem here that, you know, if the company is good and it is priced reasonably, there is a big element of lottery. So many people apply and very few people get it because of the initial demand, and more so now. And for an individual investor, the maximum that they can invest is 2 lakh rupees. Many a times, good IPOs command a huge premium. You know, they start listing, or they list at a substantial premium to its issuance or its issue price. And but the amount of your shares that you'll be allotted, you have absolutely no control. So if there's a good company, you will get some opportunity. This fear of missing out, it should not be the primary driver. Yes, you should consider investing in IPO. And, you know, IPO is mostly being invested with a very short-term view. People invest, get allotment, command, get the premium, get out. And also you can't invest substantially unless you are an institutional investor. So I think, you know, it is interesting to look at that, but it's a short-term investment the way it has been configured right now. Occasionally, if you come across a good IPO, good company you have been waiting for, and it turns out to be exceptional, invest, get some allotment. But the real way of making money in stock is to choose a good company, buy it at an attractive price, and hold it for many, many years, and then the money compounds. This may not be possible with IPO. आइए चलें मुंबई. मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं श्याम. श्याम जी, स्वागत है आपका. सवाल. नमस्कार जी. नमस्कार. बैलेंस फंड डिविडेंड के लिए 19 और 20 में टैक्स देनी पड़ेगी क्या? जी हाँ. अच्छा, और दिखाना भी पड़ेगा ना. ठीक है. इनकम इस साल से जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर कोई किसी तरह का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लग रहा है, और उससे मिलने वाला जो भी आपको जो टैक्स है वो आपकी आमदनी में जोड़ा जाएगा. अगर आपकी आमदनी टैक्सेबल लिमिट से कम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर ऊपर है तो लगेगा. फ्रॉम गाजियाबाद वी आर जॉइंड इन बाय बाबूराम. वी वेलकम यू जी. स्वागत है आपका. सवाल पूछे. सर, मैंने पिछली बार भी करा था फोन. सर, पिछली बार गई थी जी. सवाल पूछे बाबूराम जी. सर, मेरा 1 लाख रुपया है बैंक में, उसको कैसे क्या करूं सर, ये बता दो आप. नहीं, अब क्या करना चाहते हैं? सर, मेरी तो उम्र हो चुकी, मेरे तो 55 साल है सर. ये कोई उम्र है? धीरेन्द्र जी, हम यानी समझते हैं कि बाबूराम जी ये चाहते हैं कि 55 वर्ष की आयु है और 1 लाख रुपए का निवेश करना है, तो 1 लाख रुपए का निवेश किस रूप में करें? नहीं, बाबूराम जी से पूछिए कि क्या इनको इनके पैसे से क्या चाहिए, सालाना कोई रिटर्न चाहिए? धीरेन्द्र, वी हैव लॉस्ट टच विद हिम एंड ही इज नॉट वेरी क्लियर एज टू व्हाट ही वांट्स टू डू. सो please be clear as to what your goal is and why do you want and how much and how many years. नहीं, बाबूराम जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि ये बढ़ता रहे. अगर ये बढ़ता रहे तो किसी अच्छे बैलेंस फंड में, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाइए, अगर इससे कोई आमदनी की जरूरत नहीं है. अगर और बल्कि मेरी सलाह होगी कि केवल चूंकि ये 1 लाख रुपए है, डिविडेंड प्लान में लगाइए. आमतौर पर मैं लोगों को कहता हूँ कि डिविडेंड प्लान में पैसा नहीं लगाना चाहिए. थोड़ा आपको ब्याज जैसा रकम या उससे थोड़ा कम रकम आपको हर साल डिविडेंड के तौर पे मिल जाएगा, और बाकी पैसा आपका पड़ा रहेगा और बढ़ता रहेगा. बैंक डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न उसमें मिल पाएगा. जी, रत्नाकर फ्रॉम मुंबई जॉइन्स अस नाउ. रत्नाकर, वी वेलकम यू. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, प्लीज आंसर. मेरा सवाल है कि अभी मेरे ब्रोकर की तरफ से मुझे ये आया था संदेश कि प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड, ये कौन सा फंड है, वो एनएफओ उसका ओपन हो गया है,
29 सितंबर से, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिंसिपल लास्ट था फंड कैसा है, और दूसरा टाटा का फार्मा फंड कौन सा है क्या, और तो उसमें इन्वेस्ट करना कितना बेहतर है टाटा का फार्मा फंड? हमारे यहाँ देश में ढेर सारे लार्ज कैप फंड है और प्रिंसिपल का लार्ज कैप फंड उसमें से एक है, और आमतौर पे लार्ज कैप फंड को इंडेक्स को बीट करने में बड़ी बड़ी समस्या हो रही है। और ये जो प्रिंसिपल का लार्ज कैप फंड है ये नया फंड है, ये अभी लॉन्च हुआ है, और लॉन्च होने के बाद एक कूलिंग पीरियड होता है, मतलब लोगों को अलॉट कर दिया जाता है और अब ये ओपन एंड फंड हो गया है। मेरी सलाह होगी कि जब भी आप किसी फंड में निवेश करते हैं तो उसका भविष्य में कैसा हिस्ट्री रहा है उसके आधार पर आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छे लार्ज कैप फंड मुझे गिनाने हो तो वो अलग होंगे, वो प्रिंसिपल लार्ज कैप अभी इसका कोई भी हिस्ट्री नहीं है, इसमें पैसा न लगा है। अगर इन्वेस्को का लार्ज कैप है या मिराई आसिफ का लार्ज कैप है, ये कुछ बेहतर लार्ज कैप विकल्प है। लार्ज कैप फंड मतलब जो बड़ी कंपनियों में ही केवल पैसा लगाते हैं, और आमतौर पे आप जैसे निवेशक को जिसको अभी जो अभी म्यूचुअल फंड समझ रहा है या शुरुआती दौर में है, उसको आमतौर पे किसी हेल्थ केयर फंड या फार्मा फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन टाटा का एक फार्मा फंड है, इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, 58% करीब पिछले एक साल में यह बढ़ा है, और दूसरे भी ढेर सारे विकल्प है। जब भी किसी सेक्टर फंड में लगाएं तो आमतौर पर न लगाएं, और अगर लगाए भी तो एक छोटा सा डिफाइंड अमाउंट ही लगाएं। आइए चलें गाजियाबाद। गाजियाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गौरव। गौरव जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते धीरेन्द्र जी। नमस्ते मार्केटिंग। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये फोकस इक्विटी फंड है। आर दीज फोकस इक्विटी फंड गुड इन करंट सिनेरियो, बिकॉज मार्केट मल्टी कैप फंड में थोड़ा वो शिफ्टिंग होने वाली है, और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है, मल्टी कैप फंड से शिफ्टिंग वैसे थोड़ा सा स्मॉल एंड मिड कैप में बढ़ाया जाएगा, और छोटा सा तीसरा सवाल है सर, 0.4% किसी मेरा एसेट के फंड की मतलब फोकस इक्विटी की चार्ज है, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, वहीं पे इसी तरह के 1.2% चार्जेस हैं जो बहुत ज्यादा हैं, तो ये इसमें इतना वेरिएशन जो तीन गुना हो रहा है। वैसे आप बोलते हैं कि 1.5 है अलाउड है, 0.4% फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं मेरा फोकस एसेट इक्विटी फंड के, जबकि इसी तरह के कोई आईसीआईसी का फंड लिया जाए तो 1.2% है, काफी ज्यादा चार्जेस लेता है, ये तो कुछ तीन गुना हो गया ना। मैं मानता हूँ 1.5 अलाउ कर। थैंक यू जी। जी हाँ, बहुत सारी फंड कंपनियां निर्धारित करती हैं या निर्धारित करती हैं कि वो कम पैसा बनाएंगी और अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करेंगी, ये एक्सपेंस का अंतर काफी ज्यादा हो सकता है, और ये 1.5% भी नहीं, रेगुलर फंड प्लान में कई बार वो 2% भी हो सकता है, और ऐसा अंतर अक्सर देखा गया है। दूसरा फोकस फंड मुझे लगता है कि अभी जैसा था वैसा है, और ये रिस्क और जो फोकस फंड का जो यूजुअल रिस्क है कि ये छोटा पोर्टफोलियो होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, 30 से ज्यादा स्टॉक नहीं लगाता है, आमतौर पर करीब करीब 20-22 स्टॉक ही केवल एक फंड का लगा, एक पूरे बड़े फंड का लगा होता है, इस वजह से अधिकतर फोकस फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड हो गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके वजह से इस बाजार का आकलन करके इसमें कोई फेरबदल करने की जरूरत है। जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली इज नंद। वी वेलकम यू नंद, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग मिस्टर धीरेन्द्र। गुड इवनिंग। आई वांटेड टू चेक विद यू द लेटेस्ट ऑन द फ्रैंकलिन डेट फंड्स फॉर विच कर्नाटक हाईकोर्ट केस इज गोइंग ऑन, कैन यू प्लीज अपडेट? थैंक यू। यस, yesterday there was an update from Franklin Templeton, now the Franklin Ultra Short Term Bond Fund has nearly 40% of its money in cash. Last week, all the six funds together got 1,078 crores, and total cash relying with these six funds together is 8,262 crores. Franklin India Ultra Short Term Bond Fund has about 40% of its money in cash. Dynamic Accrual Fund has and Low Duration Fund has 19% each, and Credit Risk Fund has 4%. The other two funds are also steadily becoming cash positive.
Franklin Templeton has informed that Karnataka High Court has finished hearing all the arguments and the AMC is now awaiting the judgment. And they also said that if the court or the Securities and Exchange Board of India allows them, then they would like to return all the cash which I was referring to, respectively, 40%, 19%, 19% and 4% for the four funds and the other two funds, because they are steadily getting the cash. They would like to return that money if they are permitted to do that as soon as possible. And they are awaiting the Karnataka High Court judgment. I'm hopeful that the coming week we should get some instruction. आइए चलें चेन्नई. चेन्नई से हमारे साथ हैं विजय कुमार. विजय जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए. Thank you. Good evening, everybody, and good evening, Mr. Dariaka. Good evening. I just have two quick questions. One is, of course, we know about SIP, but very often we hear about SWP, Systematic Withdrawal Plan. Can we throw some light on this? Question number one. And secondly, we have Nifty and Sensex at the market level. Yes. How do the AMCs get their valuations or calculations to get their the calculation for the units at the end of the day for publishing the next day? Which market is it? The stocks operated in market Sensex, and then they take into account Sensex and Nifty. How do these two things operate? SWP and the intermarket operations. Thank you. No, are you asking that how the NAV is calculated for Nifty and Sensex fund? We've lost touch with him, Dhiren. Okay, I think he was talking about the number of units that are allotted to people. Okay, all right. The first question, what is systematic withdrawal plan? It is actually the reverse, the converse of SIP. You invest steadily, and then, this whole market mechanism for long-term investors is a simple mechanism of converting small cash flows into a capital. And once that capital gets created, then deriving small cash flows from the capital that you have created. So, you invest periodically through SIP, and you have accumulated whatever amount over a period of time. Then you decide to withdraw a defined amount. Say you have accumulated, 50 lakh rupees, and you choose to withdraw something like 20,000 rupees a month. And that 20,000 rupees a month, there are two ways of doing it. There's a simple way of doing it, that you give a standing instruction that gives me back 20,000 rupees. So 20,000 rupees worth of units will be redeemed every month, and you will get your money. This is a better way. This is a more tax-efficient way, also a fairly predictable way to derive your cash flow from your investment. And most investors, whatever funds they might be investing in, we are normally in these two phases. Maybe there could be a third phase that you have accumulated and you don't need any cash flow, so you just let it lie there. But either we are accumulating or we are withdrawing, or it lies there. In case of, withdrawal, systematic withdrawal plan turns out to be efficient because it is predictable. You can define it. And tax efficiency, because a good part of the money in the initial years turns out to be, your capital which is coming back, which is not taxable. Only the gain component is taxable. And that too, if it is in a conservative vehicle, it can also, it can well be, turned into a capital gain. So this is what it is. How NAV of Sensex and Nifty, the way I understood your question, all mutual funds NAV is calculated based on the underlying worth of all the investment that they have made. So if a fund has, if you have invested in a Sensex or a Nifty fund, then they have invested in the same 30 or 50 stocks in the same proportion. And end of the day, the fund company calculates the value of those investments, deducts the daily expenses, and divided by the total number of units outstanding of the shareholder, of all the unit holders, and that is the NAV. So if Sensex, and normally it is very much in tandem with what you see on the television news. Though there is a difference between the Sensex and the Nifty which we see on the television or the newspaper, and the Sensex and Nifty which is used by the fund companies, because the Sensex and Nifty that you see on the television is not adjusted for the cash flows, the dividends which these fund companies will be getting, because they have made those investments. They have bought Reliance shares.
they'll be getting the dividend. And that dividend also becomes investors' money. And that contributes to the energy as well. So there is a different variant of the Sensex and Nifty called Total Return Index. All the index that you see on which an index fund is mounted has a total return variant. And that basically assumes all any other periodic cash flow that could be coming to the underlying company, which is added to the NAV. NAV less expenses over total number of shares is the way NAV is calculated. Okay, joining us from Delhi is Yogendra. We welcome you, Yogendra. I think we've lost touch with you, Yogendra. Moving on, the Commerce and Industry Minister, Piyush Goyal, has said that the world now looks towards India as a trusted, reliable partner in the global supply chain. Addressing the 74th annual session of Hindustan Chamber of Commerce, virtually, Mr. Goyal said that India's abilities to become self-reliant, expand scale of operation, introduce good manufacturing practices, and improve quality are all being recognized by the world. The minister said he can say with pride that India industry has come up to the expectations of the people of the country. Mr. Goyal said that we are all working together to reframe and reimagine our businesses, re-engineer the way government works, and change policies, laws, and procedures to make them contemporary. He said that together, government and business are working towards a better future for marginalized section of the society or those who have been deprived of the benefits. हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं दिल्ली से अमित. अमित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए. सर, मार्केट मंत्र पूरी टीम को नमस्कार और धीरेन्द्र को भी नमस्कार. सर जी, सर धीरेन्द्र सर, मेरा सवाल ये है आपसे. सर जैसे हम देखते हैं जैसे कि इक्विटी में जो होता है ना ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ और अपना निफ्टी ईटीएफ की तरह, क्या म्यूचुअल फंड के कोई ऐसा फंड है जिसमें कि ईटीएफ में पैसा लगाया जाता हो? धन्यवाद. जी हाँ, म्यूचुअल फंड कंपनियां बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां ईटीएफ लॉन्च करती हैं और ईटीएफ में आपके लिए निवेश करना एक संभावना है. ईटीएफ आमतौर पे ईटीएफ एक इंडेक्स फंड का ही होता है, किसी ना किसी इंडेक्स पे ये माउंटेड होता है. और इसको खरीदने बेचने का तरीका बिल्कुल अलग है. आमतौर पर आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप 10,000 रुपये देते हैं अपने फंड कंपनी को या म्यूचुअल फंड एजेंट को और उस दिन के एनएवी के आधार पे आपको 10,000 रुपए का उतना यूनिट्स आपको अलॉट कर दिया जाता है. ईटीएफ खरीदने का तरीका बिल्कुल अलग है. इसको आप स्टॉक ब्रोकर के जरिए ही खरीद सकते हैं. इसके लिए आपके पास ब्रोकिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है. जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उस दिन के एनएवी पे आपको मिलता है. ईटीएफ खरीदते हैं तो उस दिन के बाजार भाव पे मिलता है. और बाजार का जो भाव है वो एनएवी से अलग हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है. एनएवी के आधार पे होता है. लेकिन उस समय बाजार में कितने ज्यादा खरीदार हैं या कितने ज्यादा लोग बेचने वाले हैं, इसके आधार पे उसका दाम निर्धारित होता है बाजार में. और ईटीएफ, इसलिए ईटीएफ को थोड़ा सावधानी से खरीदना चाहिए. और सोने के आधार पे सेंसेक्स, निफ्टी, इसके ईटीएफ और जूनियर निफ्टी, तीन चार चीजों पे अभी भारतीय बाजार में बहुत सारे ईटीएफ हैं जो उपलब्ध हैं, जो आप खरीद सकते हैं. पर आमतौर पे ये इंडेक्स फंड ही होते हैं. ये एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है जिसमें कि फंड मैनेजर निर्धारित करता है कि क्या खरीदा जाए, क्या बेचा जाए. इसके बजाय वो निफ्टी का वही 50 शेयर या जो गोल्ड ईटीएफ है वो केवल सोना खरीदता है. सेंसेक्स ईटीएफ केवल सेंसेक्स की 300 स्टॉक उसी प्रोपोर्शन में खरीदता है क्योंकि ये इंडेक्स फंड. दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं योगेंद्र. योगेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए. सर नमस्कार जी, जुड़ चुके हैं आप, सवाल पूछिए. सर मैं पूरा सुन लेना. हम कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड है दिल्ली में, तो एम्प्लॉयज हैं और पेंशनर हैं. 6 महीने से ना तो तनख्वाह दे रहे कॉर्पोरेशन, ना ही पेंशन दे रही. बताओ, हम सीनियर सिटीजन में 28 साल हो गया हमें रिटायर हुए, कहा जाएगी स्मार्ट हम बैठे. योगेंद्र जी, आपके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है. आपके जैसे जितने हमारे ऐसे श्रोता हैं उन सबों के साथ हमारी सहानुभूति है. लेकिन इस कार्यक्रम के लिए, मार्केट मंत्र के लिए आपके प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे सकते. आज रविवार के दिन सिर्फ म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ ही यदि कोई आपका सवाल है तो उनका हम स्वागत करते हैं.
आइए चले दिल्ली से मुंबई, मुंबई से हमारे साथ हैं आदित्य। बहुत बहुत आपका स्वागत आदित्य, सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल धीरेन्द्र जी से ये है कि फार्मा सेक्टर ने लॉकडाउन में ग्रो किया है, फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हैं? और मेरी बात सुनिए, आप लाइन मत काटिएगा, रेडियो नहीं मेरे पास। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो है आप ये हिस्सा कैसे देखते हैं कि एक कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की अगर मोनोपोली ले लेगी तो आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मेरी आमतौर पर हर एक निवेशकों को सलाह होती है कि उनको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को पूरा पैसा देते हैं अपना पैसा मैनेज करने के लिए। जब आप किसी सेक्टर फंड में पैसा लगाते हैं तो आप कहते हैं कि ये लीजिए पैसा और केवल फार्मा कंपनीज में पैसा लगाइएगा, और इस वजह से आम निवेशकों को किसी भी सेक्टर फंड में, केवल फार्मा में ही नहीं किसी में भी, क्योंकि जो आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा आपने लगाया है तो फार्मा फंड में फार्मा में भी लगा होगा। जब अनुचित होगा, दो तीन साल पहले फार्मा में पैसा लगाना उचित नहीं था, लोगों का नुकसान हो रहा था, और अभी भी उस नुकसान से फार्मा फंड पूरी तरह उबर नहीं पाए, तो आप फंड मैनेजर का पूरा फायदा तभी उठा सकते हैं जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं। और अधिकतर निवेशकों का उद्देश्य ये होता है, या म्यूचुअल फंड में लगाने वाले निवेशकों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि उनका पैसा तेजी से डाइवर्सिफाई हो, और ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो ही नहीं सकता अपने डिजाइन से। इसलिए आमतौर पर मेरी सलाह होती है कि फार्मा में क्या किसी भी सेक्टर फंड में पैसा न लगाएं, और देखें टेलीकॉम में क्या होता है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। भारतीय पूंजी बाजार से सितंबर महीने में विदेशी निवेशकों ने इस बार कुल मिलाकर बिकवाली अधिक की है, जिसके चलते इससे पहले के तीन महीनों से जारी लिवाली का सिलसिला पलट गया है। विदेशी निवेशकों ने सितंबर महीने में भारतीय बाजार में 3,419 करोड़ रुपए से अधिक की बिकवाली कुल मिलाकर की। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एफपीआईज ने डेट सेगमेंट में 4,364 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन इक्विटी सेगमेंट में 7,783 करोड़ रुपए से अधिक की बिकवाली की। इस तरह कुल मिलाकर बिकवाल अधिक हावी रहे। गौरतलब है कि इस वर्ष जून, जुलाई और अगस्त महीने में एफपीआईज की ओर से लगातार तीन महीनों तक खरीदारी की गई थी। अगस्त महीने में 46,532 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जुलाई में 3,301 करोड़ रुपए तथा जून में 24,053 करोड़ रुपए का निवेश एफपीआईज ने किया था। Joining us now is Sudhakar from Mumbai. We welcome you, Sudhakar. Hello. Email.com, correct? Hello? Yeah, Sudhakar, please ask your question. Yeah. I am Sudhakar from Mumbai. Please. I am 80 years old, senior citizen, super senior citizen. I want to invest in tax-saving mutual fund about 1,50,000 per month, per annum. Okay. Yes, per annum. Huh? Yeah. So I want four good mutual funds, tax-saving dividend payout scheme. Okay. Because I am 8 years, I want dividend. Mr. Sudhakar, payment. Sorry to button. We only have 30 seconds left. Dhiren, if you could quickly. If I have to list, some good tax-saving fund, I would say, Aditya Birla Sun Life, Tax Relief, for Access Long-Term Equity Fund, Canara Robeco Tax Saver, and there are quite a few others. Invesco Tax Saving is also emerging very well, or Mirai Asset Tax Saver. So I've listed quite a few. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू धीरेन्द्र फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर असर्ट्स द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स वन नेशन वन मार्केट, सेज फार्मर्स नाउ हैव फ्रीडम टू सेल एट द हाईएस्ट अवेलेबल प्राइस, द वर्ल्ड नाउ लुक्स टुवर्ड्स इंडिया एज अ ट्रस्टेड रिलायबल पार्टनर इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, says Commerce Minister Piyush Goyal. And snapping 3 months buying spree, foreign investors pull out 3,400 crore rupees from Indian capital market in September. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.